फास्ट न्यूज की खबरों में एक बार फिर हाजिर है। विश्व शांति के लिए अंबाला के प्रमुख स्थान सुभाष पार्क के ओपन एरिया थिएटर में 100 से अधिक बीके सदस्यों ने किया राज्योग का अभ्यास। ऑल इंडिया टेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट नवेश भारद्वाज बीके शैली मुख्य रूप से मौजूद। डिफेंस कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा संस्था के प्रशासक सेवा प्रभाग के अंतर्गत काउंसिल ऑफ अमेरिकन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक्जिम बैंक, पीजीडीएवी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत अन्य कई स्थानों में हुए कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनु एवं बीके एकता ने बेहतर प्रशासन की सिखाई कला। प्रेमनगर के उपसेवा केंद्र बिजलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर शासकीय कन्याशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम। संस्कारों की धरोहर बेटियां विषय पर चर्चा। प्रेमनगर प्रभारी बीके शशि ने सैकड़ों कन्याओं को किया प्रेरित। प्राचार्य प्रीति पंत, उप प्राचार्य सुनील कुमार भी उपस्थित। रतलाम के डोंगरे नगर में प्रभारी बीके सविता ने बताया कि साधारण कन्या भी शिव से शक्ति लेकर बन सकती है शक्ति स्वरूपा। मौके पर उपस्थित कुमारियों ने गीत, कविताएं, नृत्य समेत अन्य गतिविधियों में लिया भाग। सेंट जोसेफ स्कूल की शिक्षिका ज्योति चौहान समेत 55 कुमारियां मौजूद। रतलाम के पत्रकार कॉलोनी में भी बेटी दिवस पर बीके आरती ने बेटियों का बढ़ाया मनोबल। कहां बेटियां ही देवियां कहलाती है, बीके किरण ने सुबह उठकर परमात्मा को याद करने की दी प्रेरणा। नरसिंहपुर के डोभी में देश की शान बेटियां विषय पर आध्यात्मिक स्नेह मिलन, नाटक के जरिए बेटियों को किया जागरूक। गाडरवारा में भी आध्यात्मिक स्नेह मिलन हुआ संपन्न। नरसिंहपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने मौजूद कुमारियों को सशक्त बनने की दी प्रेरणाएं। जिले भर से आई अनेक कुमारियों का हार पहनाकर किया सम्मान। स्थानीय प्रभारी बीके उर्मिला भी मौजूद। संस्कारों की धरोहर बेटियां विषय पर इंदौर के इंद्रपुरी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। संचालिका बीके पूर्णिमा ने बेटियों को संबोधित करते हुए उन्हें बताया रत्न। न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल की चेयरपर्सन सिंधु मेंढके समेत कई अन्य अतिथि मौजूद। कल्याण वेस्ट के तीर्थराज एजुकेशनल ट्रस्ट, TS पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन। सैकड़ों बच्चों को कैसे शांत रहे विषय पर बीके चांदनी ने किया संबोधित। कतारगाम में स्वर्णिम समाज निर्माण अभियान कार्यक्रम का आगाज। मातृशक्ति की दक्षिण गुजरात प्रांत की संयोजिका ज्योति सनेश्वरा समेत मातृशक्ति से अन्य कई विशिष्ट महिलाएं शामिल। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने किया संबोधित। लश्कर में व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के अंतर्गत व्यापार और उद्योग से समृद्ध और स्वर्णिम भारत विषय पर कार्यक्रम। प्रेरक वक्ता बीके प्रहलाद ने किया संबोधित। प्रभारी बीके आदर्श ने राज्यों की कराई अनुभूति। जब मनुष्य के पास सब चीजें व्यवस्थित चलती है, उसका कारोबार ठीक चलता है, उसके अनुरूप चलता है, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाती है। पर ये तभी संभव है जब हम रोज अपने मन की तार को परमात्मा से जोड़ें। विदेश्वरी PG कॉलेज धरियासात में जीवन में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर हुआ कार्यक्रम। मुख्यालय से आए बीके भगवान ने विद्यार्थियों को बताया कि गुणवान व्यक्ति ही है देश की संपत्ति। मौके पर राज्योग शिक्षिका बीके पूजा, मैनेजर जयवर्धन सिंह, प्राचार्य शैलेश सिंह समेत अन्य शिक्षक भी मौजूद। जो गुण होते हैं जैसे ईमानदारी, सत्य बोलना, दूसरों का सहयोग करना, सबके साथ मिल बांट के रहना, क्योंकि हम जो मनुष्य है हमारे पास ही एक ऐसा गुण है कि हम सबके साथ मिल के रह सकते हैं और अपने ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। रीवा के BNP स्कूल में ब्रह्मकुमारीज द्वारा कल्पतरु अभियान के अंतर्गत सैकड़ों विद्यार्थियों एवं स्कूल स्टाफ ने लगाए पौधे। अपने घरों में भी 5-5 पौधे लगाने और उनकी देखभाल का किया संकल्प। आयोजन में बीके विजय, बीके राकेश मौजूद। फास्ट न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।